बाबर आजम 4 साल खेला सिर्फ, और कोहली 13 साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट। डिफरेंस आपने देखा कितना डिफरेंस, चल सही क्या नहीं आई भाई, आप बोलो। आ गई आ गई आ गई आ गई। तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से बॉलिंग की, पावर प्ले में 3-4 विकेटें ले ली, रिवायती हरीफ से हारा है, तो बाकी जो उसके मैचेस होंगे वो आसान टीमों के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ है, नामीबिया के साथ है, और एक मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ है। इंडियन फैंस के लिए यही मैसेज है कि इसको क्रिकेट गेम के तौर पे लें, ये कोई जंग नहीं है, ये गेम है। एट दी एंड जीतना क्रिकेट को है, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते। इंडिया नहीं, जो भी टीम आएगी उसको हम हरा के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, बातें हो रही थी कि कौन जीतेगा, फाइनली पाकिस्तान जीत गया इंडिया से मैच, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और वेल प्ले टीम इंडिया, बहुत अच्छा खेला आपने भी, बट लकीली पाकिस्तानी ओपनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, इंडियन साइड से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, पर आज शायद पाकिस्तानियों का दिन था तो शायद इसलिए पाकिस्तान जीत गया, पर परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान इतने साल बाद अपने रिवायती हरीफ से जीता है, तो कैसी फीलिंग्स है आज पाकिस्तानियों की, इतनी बड़ी जीत नसीब हुई है, और टीम इंडिया की क्या फ्लॉज थे, क्या कमियां थी टीम इंडिया में जिस वजह से टीम इंडिया इस बार थोड़ा सा पीछे रह गई है जीतने से, क्योंकि टीम इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया एक अनबीटेबल टीम है इस टूर्नामेंट की, फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें हराया, तो ये एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या चीज़ें इंडिया के लिए हार की वजह बनी। टॉस जीतना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग डिसाइड की, और इंडिया के लिए ये थोड़ा सा टफ था कि स्टार्ट में बैटिंग करना, क्योंकि चेस करना T20 में थोड़ा आसान होता है, और पिच के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बैटिंग पिच थी आज। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और सजेशन में और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा आज का मैच। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हैं जो कि बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसा फील, हाउ यू फीलिंग। बहुत आ रहा चौकस, पहले हम थे शायद हमारे साथ बहुत बुरी होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे जाता रहा बचती रही ठोका। स्पेशली बाबर आजम रिजवान प्लेड वेरी वेल, और शाहीन अफरीदी ने 2 आउट किए, उसने तो चेस करा दी। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियंस जो हैं वो बहुत प्राउड ही हैं, ठीक है, आप फेसबुक पे देखते हैं अक्सर, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बहुत प्राउड करते हैं कि वॉक ओवर था, हम तो गुजर जाएंगे, पाकिस्तान पॉइंट्स दे दे, पाकिस्तान ऐसा कर दे कि जी हम तो बस ये तमाशा मारली मजाक, प्रैक्टिस गेम है। तो जब उनका गरूर तोड़ने का मजा है ना, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में तोड़ा था उसका कोई, और हमने इजीली नहीं जीता, नहीं इसको कह सकते हम टफ करके नहीं जीते। सो गाइस, ये लोग मुझे काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आगे तो आप में से कोई इंटरव्यू देना चाहेगा यार, दो लोग आ जाए आगे। पाकिस्तान जीता है इंडिया से, इतनी देर बाद हिस्ट्री बदल के रख दिया टीम पाकिस्तान के ओपनर्स ने, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी फीलिंग, क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे फीलिंग के बारे में? मैं कहना चाहूँगा अल्लाह की कसम चास आ गई है, तो बाकी आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तकरीबन कुछ 6-7 बार ODI में हारा, फिर लास्ट टाइम 2-3 वर्ल्ड कप में T20 में हारा, तो अभी पहले भी लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो तारीख बदलेगा, तो पाकिस्तान ने वाकई तारीख बदली है, उन्होंने हमारे वो मान रखा है, हमारे ओपनर्स ने, हमारे बॉलर्स ने, और वैसे कुछ किस्मत भी साथ दे रही थी, पहले पाकिस्तान वो टॉस जीत गया तो पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग रखी, क्योंकि ड्यू फैक्टर काफ़ी था यूई में, और पाकिस्तान काफ़ी खेला हुआ यूई में, इसलिए पाकिस्तान को पता था कि क्या करना है, और उन्होंने वही किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान इतने साल बाद आज इंडिया से इस तरह जीता है कि जैसे कोई किंग वापस आ गया हो गेम में, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने इस तारीखी फतह के दिन, हमने ये दिन में हमने ये मैच जीता, जो कि इंडिया की ज़ुबानें बंद नहीं होती थी कि आप वर्ल्ड कप में हमें नहीं जीते, आज ये तारीखी फतह, जो 152 पे कोई आउट नहीं, और ये पूरा वन मैन आर्मी शो हुआ था, जो कि ये दो ही हमारी आर्मी जो बेस्ट प्लेयर थे उन्होंने ये करके दिखाया, तो इसकी इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। यार, इंडिया की हार की क्या वजह बनी है? इंडिया भी तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम और इतनी मोस्ट फेवरेबल टीम थी इस टूर्नामेंट की। आखिर गुरूर का सर नीचा, ये एक वक्त होता ही है जब आप बातें बड़ी करते हैं और करें कुछ ना, तो उसका रिजल्ट यही होता है। ये पहले हम भी कर चुके थे, उसका रिजल्ट हमारे सामने था, आज उन्होंने किया, उनका मीडिया देख ले, उनकी चीज़ें देख ले, वो हर टाइम अपने गरूर में होते थे, उसकी वजह से आज ये नीचे आके गिरे हैं। आपको लगता है कि इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर थे इंडिया के पास, जसप्रीत बुमराह दी वेरी वेल नोन, क्या कहना चाहेंगे कि उसकी बॉलिंग को किस तरह फेस किया हमारे ओपनर्स ने?
बात अगर मैंने आपको पहले बता दी कि ये वन मैन शो था, ये जैसे आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करें कि वो जैसे वो 2017 में हुआ था कि वो भी वन साइडेड था, ये भी वन साइडेड हुआ है। मज़ा सिर्फ इस बात का है कि जो बात वो करते थे वो अपनी बातों के नीचे ही आ गए। कैसा फील कर रहे हैं? मैं यकीन करें कि मुझे अपनी शादी से भी ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान ने ऐसा आलू रखा है इंडिया पे कि इंडिया 7 नस्लें तक नहीं भूलेगा, ऐसा आलू रखा है। और जीरो पे ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड काम कर दिया हमारे पाकिस्तान ने, और मैं बहुत खुश हूँ। हमारी जो पाकिस्तानी टीम, उन्होंने बड़ा माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी और अच्छा उन्होंने अपना खेल, हालांकि हमें हर साल हर वर्ल्ड कप पे ये होता है कि यार छड़ो परे यार कि इन्होंने हारना ही है, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो हौसला हमारा जो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा मजबूत और बढ़ गया है। यार इंडिया भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, इंडिया में क्या कमियां नज़र आई हैं आपको? यार बेसिकली पता क्या बात है, जब ऊपर से लिखी हो ना, चाहे आगे पहाड़ भी आ जाए तो चींटी के आगे वो पहाड़ भी कुछ नहीं। मिसाल आपने सुनी है, बस हमें इस दफ़ा इंशाल्लाह अभी वो जीतना था। हमारे हमारे माशाल्लाह हमारे मुल्क की दुआएं थी पाकिस्तानी टीम के साथ, हमारे पाकिस्तान के जितने भी माएँ बहनें सब अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कर रहे थे, और इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को शिकस्त दे दी है। हिस्ट्री में बहुत बड़ा मैच आज पाकिस्तान जीता है और हिस्ट्री बदल के रख दिया पाकिस्तान ने। इतने अरसे बाद वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? एक तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी टीम को कहूँगा ज़बरदस्त, वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक। और मैच है और इस दफ़ा हम जीत गए तो कोई ऐसी बात नहीं, तो इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान जो है ना वो ज़बरदस्त खेलेगा, और गेम है, इसको गेम की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल जी। तो इंडिया भी इतनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो क्या फ्लॉज क्या कमियां नज़र आई हैं टीम इंडिया में आपको? इंडिया की इस दफ़ा आई थिंक उनकी एक तो फील्डिंग के वाले से वो ज़रा मिस फील्डिंग थी उनकी, और थोड़ी बॉलिंग भी ज़रा उनकी वीक थी, और सबसे बात तो ये है कि हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। सही हो गया। तो ब्रदर क्या फ्लॉज देखे हैं आपने टीम इंडिया में? इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान से हार गई, तो क्या कमियां नज़र आई हैं? मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, हर टाइम प्रेशर मैच होता है, तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से बॉलिंग की, पावर प्ले में 3-4 विकेटें ले ली, उधर से आई थिंक गेम काफ़ी प्रेशर आ गया था इंडिया के बैट्समैन पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको लो टोटल पे आउट किया और चेजिंग काफ़ी आसान हो गई उनके लिए। इंडियन बॉलिंग कैसी लगी आपको? वेल अच्छी बॉलिंग है उनकी, बहुत अच्छी बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन पाकिस्तान आउट क्लास आज खेल गया, तो इसलिए वो जीत गए। आपको लगता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर एक आधा ओपनर गिर जाता तो थोड़े चांसेस ज़्यादा हो जाते इंडिया के जीतने के? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर आप देखें तो हसन अली तक बैटिंग है पाकिस्तान की, तो जो पेपर पे था 11 प्लेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लग रही थी, तो अगर 2-3 भी आउट हो जाते तो फिर भी ये था कि इतना बड़ा टोटल नहीं था, तो चेजिंग ईजी थी। आपको लगता है कि नेक्स्ट मैचेस में इंडिया कमबैक करेगा? वेल यस, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम टॉप पे है, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे वार्म अप मैचेस खेले हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ही इस टाइम वर्ल्ड कप जीतेगा। हमारे लिए वॉक ओवर था, यानी हम कैसे बेम्बूजल्ड किया इंडिया को, हम रोन दिया, ऐसी चस आई है कि अब तक आज तक क्रिकेट मैच को ऐसे देखा उसमें नहीं आई हमें। आपको लगता है कि इस मैच ने चैंपियन ट्रॉफी भी बुला दी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे हमने आज तक, हमारी काफ़ी एज हो गई है, हमने आज तक ऐसे नहीं देखा कि इंडिया को इतना कुत्ते की तरह हमने हराया, उनकी चीखें निकलवा दी हमने। तो यार क्या फ्लॉज थे इंडियन टीम में जो इंडिया हार गए इतनी बेदर्दी से? ओवर कॉन्फिडेंस, उनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके बैठ जाता है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाता है बस। आपको नहीं लगता कि इंडियन बैटिंग साइड पे कुछ फ्लॉज थे? फ्लॉज आप नहीं कह सकते, देखे पिच वही थी जो जिस पे हम खेले उस पे वही खेले, ये कह सकते हैं कि शाम को ड्यू था, बॉल गीला था, लेकिन हमने, हमारा दिन था, वी प्लेड वेल। पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है जब वो खेलती है ना तो वो खेलती है, फिर चाहे सारी टीमें मिलके भी आ जाए ना तो हमें नहीं हरा सकते। तो यार मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान विनिंग सिचुएशन की तरफ जा रहा था, अक्षय कुमार किधर चला गया था? आपको पता है, मैंने देखी है वीडियो, सारे भाग रहे थे उठ उठ के, आपने देखा वो स्क्रीन के आगे भी 2 लोग आ गए थे, रिजवान बॉल खेलने लगा तो एकदम वो रुक गया, क्योंकि इंडियन सीट छोड़ के जा रहे थे, तो उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। मैसेज देना चाहेंगे
आप क्या कहना चाहोगे यार? अक्षय कुमार कहाँ गया? अक्षय कुमार के लिए मैं ये कहना चाहूंगा अब वो कभी दुबई मैच देखने नहीं आएगा, और स्पेशली जो हम सोच रहे थे एक सीरीज हो जाएगी बायलेटरल वो तो इम्पॉसिबल हो गई। इनको पता चल गया इनकी औकात, इनका कैलिबर, और पाकिस्तानी विदाउट इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप देखें कितना अच्छा खेले। बाबर आजम 4 साल खेला सिर्फ, और कोहली 13 साल से खेला इंटरनेशनल क्रिकेट। डिफरेंस आपने देखा कितना डिफरेंस। चस आई गई नहीं आई भाई, आप बोलो। आ गई आ गई आ गई आ गई। इंडिया की जहाँ तक बैटिंग की बात है, उनकी नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक बैटिंग थी, तो बैड लक हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान ने आउट क्लास बॉलिंग की है। इंडिया ने अपनी फुल जोर लगाया लेकिन पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास किया। आप क्या कहना चाहोगे यार? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जीत से नवाजा है। बाकी पाकिस्तान ने आज दिल्ली को कुछ कर दिया है, खास तौर पर ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला है, और बाकी शाहीन की बॉलिंग तो आप सब ने देखी है, बहुत मज़ा करवाया है। तो इसी तरह ये रिदम बरकरार रखना है और वर्ल्ड कप घर लेके आना है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इंडिया अब इस मैच का गुस्सा बाकी मैचेस में निकालेगा? बिल्कुल, वो ये गुस्सा अपना निकालेगा बाकी मैचेस में, क्योंकि वो रिवायती हरीफ से हारा है। तो बाकी जो उसके मैचेस होंगे वो आसान टीमों के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ है, नामीबिया के साथ है, और एक मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ है, तो वो जीतेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी पाकिस्तान से भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और फाइनल भी विन करेंगे इंशाल्लाह। पर मैं आपको एक बात बोलूँगा, बाबर और कोहली एक क्लास के प्लेयर है, लेकिन जिस चीज़ ने डिफरेंस डाला है ना वो रिजवान की इनिंग, वो रिजवान की इनिंग। बस कोई मैसेज देना चाहोगे यार क्रिकेट लवर्स के लिए? पीसफुल मैसेज होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज? इंडियन फैंस के लिए यही मैसेज है कि इसको क्रिकेट गेम के तौर पे लें, ये कोई जंग नहीं है, ये गेम है। एट द एंड जीतना क्रिकेट को है, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते। वो हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, ये उसका रिजल्ट है। अगर वो हमसे खेलते, अगर हमारे साथ वो गेम खेलते, शायद वो आज रिजल्ट कुछ और होते, वो अपने ही प्रेशर में नीचे आ गए। कोई मैसेज देना चाहेंगे क्रिकेट लवर्स के लिए, यानी पीसफुल मैसेज? Sport your cricket, sport green and win green. तो इंडियन साइड से आपको क्या फ्लॉज नजर आए हैं टीम इंडिया में? इंडिया ने अच्छा खेला है, विराट कोहली ने खास तौर पे, उनके कैप्टन ने, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें आउट क्लास किया है। शुरू में शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट्स उनकी केएल राहुल को और रोहित शर्मा को पहले ही आउट कर दिया है, जिससे वो रिदम पकड़ ही नहीं सके, जिसकी वजह से फ्लॉप हुई है और अंडर 150 हो गया था स्कोर, इसलिए पाकिस्तान आसानी से जीत गया। तो इंशाल्लाह 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 हर वर्ल्ड कप पे देंगे इंडिया, नहीं जो भी टीम आएगी उसको हम हरा के रख देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान में काफ़ी टीवी बच गए हैं? हाँ बिल्कुल, टीवी बच गए हैं। अगर ये हार जाते तो फिर हमने वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं जीता हुआ था पहले, तो फिर टीवी बहुत ज़्यादा टूटने थे।